हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सही हूँ। और गाइस, मेरा हो गया गुड मॉर्निंग और मैं निकली हूँ सुबह की वॉक के लिए। मैं और मम्मी जा रहे हैं। बता जा रहा है। अब हम लोग निकले हैं वॉक पे और अब देखो कहाँ तक जाते हैं। क्या बोले? कितना सुहाना वक्त लग रहा है एकदम। ठंडी ठंडी हवा, इतनी टाइम मस्त हवा चलती है, ठंडी ठंडी। जुनवानी रोड है यहाँ एकदम सुबह, सब पहनने वाले सब वाक। अरे इतने सारे लोग मिलते हैं कि पूछो मत। सब इतनी सब इस तरह सब वाक। गाड़ी आ रही है, देखो गड्ढा भी है। हे गाइस, मैं जा रही हूँ मार्केट और गुड़िया को कुछ सामान लेना है। तो गुड़िया क्या सामान लेना है तुम्हें? लेकिन तुम्हें हम ले नहीं रहे, वीडियो पे नहीं ले रहे हैं। मतलब लेंगे लेंगे, आओ इधर आओ। नहीं चलो। अम्मी मैं जा रही हूँ मार्केट, हाँ, और अभी देखती हूँ कि मेरी गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। चाबी कहाँ रखी? पैसा निकालने अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं। अभी मैं बाहर खड़ी हूँ, पैसा गिन रही है। लेकिन एक चीज़ अच्छा है, यहाँ पर अपने घर के पास है, यहाँ वहाँ हमारा घर है, यहाँ एटीएम है। हम फरीद दुकान, अभी आवाज़ नहीं आ रही है फरीद की, सोनू की। करो मेरे फैंस को हाय। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फरीद बाजार। लाइट नहीं है क्या सोनू? गोरा तो है ही है, तो इसमें कोई डाउट, नो डाउट। तू है ही इतना स्मार्ट है, किसका भाई? क्या बात है, क्या बात है भाई। पर सोनू लाइट कब से नहीं है? एक घंटा हो गया क्यों? गाइस ये गुड़िया लेने आ गई है और मैं देखो क्या लेती हूँ। गुड़िया लाइट नहीं है तो कुछ नहीं आज दिखाई देगा। गुड़िया अंदर जा रही है, लाइट नहीं है ना बेटा तो कुछ नहीं दिखाई देगा। और मेरा जाता है इस वक्त, अभी जा रहा है मेरा ध्यान। पता है सोनू मेरे को ना येलो कलर का सूट चाहिए भाई, मेरे को मिल नहीं रहा है। कहाँ येलो है? एक से येलो अपने नीचे से निकाल कर नया, बिल्कुल येलो। अरे काहे के लिए भयानक, इतना भयानक नहीं भाई। ये सूट है, साड़ी है, ये सूट कैसा सूट है गुड़िया? देख जरा येलो में ये वाला बना लिया, ये वाला दिखा जरा भाई खोल। लाइट इधर रख, इधर रख सुन, इधर इधर, तभी तो पता चलेगा इसका क्या बनेगा। वन पीस, वन पीस बनेगा ना, और नहीं तो और अगर इसमें क्या प्लाजो या पैंट अगर बनाएंगे तो ये अपने ऊपर है। वन पीस में तो लेगी भी डाल देंगे। हाँ वन पीस में तो लेगी डाल लो। सोनू अब हम जा रहे हैं, ठीक है? हमें साथ ही लेना ना, देखो तो पता है तेरी दुकान में आती। चल अल्लाह हाफिज। भुट्टा ले रहे तो भुंजवा के ले रही है, कैसी ले रही है? तो अब टाइम लगेगा गुड़िया। कौन वाला? टाइम लग जाएगा। अब क्या मस्त भुट्टा भूंज रहा है गाइस, देख सकते हैं आप लोग मौसम का मजा। रात भर हुई है बारिश और अब ले रहे हैं मौसम का मजा। ये खा रही है गुड़िया मौसम का मजा लेते हुए, और मैं भी।
अजान कहाँ से आए हो बेटा? अच्छा आओ अंदर आओ। हाँ देखो कितना समझदार बच्चा है, चप्पल उतार के। ओ लज्जू नानी जी सलाम नहीं किया छबाना खाला छे? सलाम करो। सलाम नहीं करता, नहीं करता। और बैग बैग दिखाओ बेटा, बैग दिखाओ पीछे। वाह कितना प्यारा बैग है अज्जू का। अब आगे ले। हाँ और अज्जू आप ट्यूशन भी पढ़ाए, सुबह स्कूल से भी आ गए। स्कूल तो गया ही नहीं। क्यों क्यों नहीं गए स्कूल? तो आएगा। हाँ अज्जू, अज्जू का ये दूसरा बैग लेके आ गया अज्जू। हाँ क्या नाम इसका? क्या कौन? यूनिकॉर्न। अच्छा तो सुनो इधर करो आप हमें इधर। अच्छा ये बताओ अज्जू कि आप दो, आपके पास दो बैग हैं, मुंह से बोलो। हाँ। दो बैग हैं तो वो बताओ कि कौन सा बैग ट्यूशन जाता है और कौन सा बैग स्कूल जाता है? पुराना वाला ट्यूशन। हाँ ये वाला स्कूल जो अभी लियो। तो गाइस आप लोगों को कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? हाँ बताओ। इधर 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 देख के बताओ। लिटिल स्टार। और क्लास कौन सी है बेटा? टू। सो गाइस अज्जू आज अज्जू आपने पूरा वीडियो नहीं बनाया क्या? आधे आधे वीडियो से चले जाते हो आप, क्यों ऐसा करते हो भाई? रोटी लेने गए थे। मुंह से बोलो ना, क्या लेने गए थे? फ्रूटी। इधर देख के बोलो ना हमारी तरफ। फ्रूटी। फ्रूटी। एक फ्रूटी लाए हो। और शबाना खाला के लिए नहीं? हम खाने की दोस्ती नहीं रखते। ये तो है इसमें, कभी भी मेरे को कोई चीज खाने को नहीं देता है। शबाना खाला कुछ छोड़ के खाती नहीं है। हाँ और शबाना खाला कोई भी चीज लाती है तो सबसे पहले अजान को, नानू कोई चीज लाते। अच्छा आप बताओ, आप बताओ बाबू। अज्जू मेरी तरफ देखो बच्चा, बताओ आप। अच्छा ये बताओ आप नानू से कितना प्यार करते हो? कितना प्यार करते हो नानू से, जल्दी बताओ। चॉकलेट भी है मेरे पास। चॉकलेट भी है तो शबाना खाला को दोगे? दोगे? मुंह से बोलो। हो नहीं नहीं ये अलग करके बोलो। अब बताओ अब बताओ। हाँ। दोगे शबाना खाला को दोगे? अच्छा आप ये बताओ। अब फिर लेने जाएगा? नहीं रुको रुको, जेब में। अच्छा चॉकलेट जेब में है, रुको। अरे फिर इमली वाली। अच्छा ये नानी को दे दो, लो नानी खाती है इमली वाली। एक ही थी। कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम ठीक है। एक थी बेचारे के पास, 1,00,000 दे दी। थैंक यू नानी से बोलो। थैंक यू बोले नहीं, दो है। बहुत 4,00,000 है वो। नानी नानी से बोलो थैंक यू बोले नानी आपको। अज्जू नानी से बोलो थैंक यू बोले नानी। मजा आ गया भाई। अच्छा आप अपनी बात को कंप्लीट क्यों नहीं किए थे भाई? नानी आ गई, नानी को बोलो ना थैंक यू बोले नानी। कितना प्यारा हमारा बाबू है। बस हो गया बेटा, हो गया। अब हैंड वॉश करके आओ। चला गया, आ गया भाई अज्जू, आ गया नानी के पास आ गया। हाँ अब आप नानी से बोलो कि नानी आपको थैंक यू बोले। अच्छा अज्जू आप अब ये बताओ नानी को नहीं दोगे। अज्जू आप ये बताओ कि आपको ना आप ना किसकी जान हो? नानू। हाँ शबाना खाला। हाँ नानी। हाँ अली मामू। अली मामू की, चारों की आप जान हो, मतलब चारों लोग आपसे कितना प्यार करते हैं ना। और अभी एक तो और है ना इस घर में, आपकी दुश्मन। अच्छा तो आप उनकी आप गुड़िया खाला की जान नहीं हो? अजान 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 इधर देखो, अजान गुड़िया खाला की दुश्मन।
अजान गुड़िया खाला आपकी दुश्मन है, तो आप गुड़िया खाला की जान नहीं हो? गुड़िया खाला आपसे प्यार नहीं करती? करती है बेटा। आपको कैसे पता चलता है कि गुड़िया खाला आपसे प्यार नहीं करती? करती है। अज्जू कैसे पता चलता है कि गुड़िया खाला आपसे प्यार नहीं करती? बता दो भाई। रुको रुको, उतार दो इसको, इसको उतार दो, उतार दो इसको, ये पहन के अच्छी लग, गर्मी है ना। रहने दो रहने दो, बस चैन खोले रहो, चैन खोले, चैन खोल दो, ऐसे रहने दो, बस ऐसे रहने दो बेटा। और सुनो ना, आपने ना, आपने ना आधी बात बताई थी, आप पूरी बात बताइए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो और कौन से स्कूल में पढ़ते हो, पूरी बात बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। बंद हो जा, नौकर है नानी तुम्हारी। अजान इधर देख के बताओ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, जल्दी बताओ, इधर देखो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ये छोड़ो, तू पहले स्कूल का नाम बताओ। लिटिल स्टार। क्या? लिटिल स्टार। और क्लास? तू। क्लास टू। क्लास टू में पढ़ते हो ना? और आपका बर्थडे कब आ रहा है वो भी फैंस को बता दो। इधर 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 देख के, इधर देख, टू नाइन को। सो गाइज, आप लोग सुन रहे हैं कि अज्जू का हैप्पी बर्थडे किस तारीख को है? टू नाइन को हो गई। सो गाइज, अब हम आप लोगों से मिलते हैं, इधर देख के, एक बार फिर से ब्रेक के बाद, तो बने रहिए हमारे साथ। चलो सो गाइज, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइज, मैं निकली हूँ अपने दरवाजे में, कुछ सामान लेने जा रही हूँ, और ये कौन है भाई? अरे वाह, ये है गुलमाप्पी, कतर से आई हैं। और गुलमाप्पी कुछ बोलो मेरे फैंस को, लाइक करो, सपोर्ट करो, और क्या करो। सो कब तक आप यहाँ रहेंगी? 15 तारीख को। और गुलमाप्पी की बेटी आगे छुपी है, वो नहीं आ रही है, तो फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? और गुलमाप्पी सब ठीक है कतर में? आप मेरे ब्लॉग देखती हैं ना बराबर? हाँ, सारे ब्लॉग देखती हूं। और सब लोगों को शेयर करी है कि नहीं? हाँ, हाँ, की हूं। अच्छा, अच्छा बनाती हूँ। सो गाइज, गुलमाप्पी जा रही थी तो हमें रास्ते में मुलाकात हमारी हो गई, और आप लोग देख सकते हैं, और वो उनकी बड़ी बहन है गुलफिश आप्पी, और आगे उनकी मम्मी बैठी हैं, और ये दोनों बच्चियाँ अपने चेहरे नहीं दिखा रही, फेस रिवील नहीं कर रही हैं, कोई बात नहीं, चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़। सो गाइज, अब मैं अपने वीडियो का यहाँ से एंड करती हूँ, एंडिंग लेती हूँ। और हाँ गाइज, आज मुझे ना बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज मेरी मुलाकात इतनी स्पेशल मतलब इंसान से हुई, और मतलब इतनी आज मैं खुश हुई कि आज मेरी उनकी मुलाकात हुई, और वो भी हम लोग की मुलाकात अचानक हो गई, नहीं तो अगर आज हमारी मुलाकात नहीं हो पाती तो शायद हम लोगों की मुलाकात फिर एक साल नहीं हो पाती, और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और वो मेरे हर ब्लॉग को इतना पसंद करती हैं, इतना पसंद करती हैं, और हर ब्लॉग को लाइक करती हैं, कमेंट करती हैं, और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और बस आज इतना अच्छा लगा मुझे उनसे मिल के, और बस मुझे हाँ इस चीज़ की बहुत खुशी हुई आज कि अगर मैं आज उनसे नहीं मिल पाती तो शायद मैं एक साल नहीं मिल पाती, और बहुत बहुत अच्छा लगा हम लोगों को एक दूसरे से मिलके। लेकिन बस छोटी सी मुलाकात थी, ज़्यादा बड़ी मुलाकात नहीं थी। मम्मी आ गई। अरे मम्मी, आज ना मेरी गुलमाप्पी से मुलाकात हुई ना, और अगर आज हमारी मुलाकात नहीं होती तो फिर वो चली जाती, और एक साल हमारी मुलाकात नहीं हो पाती,
तो इतना इतना अच्छा लगा ना मम्मी, इतना अच्छा लगा। वही मैं अपने फैंस को भी बोल रही हूँ कि मतलब इतना अच्छा लगा हम लोगों को एक दूसरे से मिलके, और बहुत खुशी हुई। नहीं पिछले साल भी मुलाकात हुई थी हमारी, हाँ पिछले साल भी मुलाकात, मतलब हर साल हो, मतलब पिछले साल भी हुई थी, हाँ जब भी आती, लेकिन इस साल ऐसा लग रहा था मम्मी कि शायद इस साल मेरी और गुलमा अप्पी की मुलाकात नहीं हो पाएगी। अचानक मतलब बस मिलना था हम लोगों को, क्योंकि अब मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा तो वो मेरा भिलाई का नहीं होगा, कहीं और का होगा गाइज, और क्योंकि मैं कहीं और जा रही हूँ। और हाँ बस यही है कि बहुत बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए स्पेशल था गुलमा अप्पी से मुलाकात करना। गाइज वो कतर में रहती हैं गुलमा अप्पी, और एक साल में सिर्फ एक ही बार आती हैं, और अगर उनको एक अभी ना मिलते तो फिर एक साल के बाद हमारी मुलाकात होती है, और पता नहीं कौन मरता है कौन जीता है, पता नहीं मिल भी पाते कि नहीं मिल पाते। तो इसलिए थैंक यू गुलमा अप्पी कि आपसे मेरी आज मुलाकात हुई, और अब वो फिर से कतर वापस चली जाएंगी। और हाँ वही तो वो लोग वो भी बता रही थी कि आप मतलब कतर में वो मेरा कोई ब्लॉग नहीं छोड़ती हैं, और वो क्या कतर में दुबई में सब कहीं मेरा ब्लॉग देखा जाता है। दिल से शुक्रिया आप लोगों का जो मेरे मौदहा वाले और मेरे बिहार वाले, बिहार के मेरे बिहार के भी बहुत लोग कतर दुबई में सब कहीं हैं, तो मैं सबको दिल से शुक्रिया। हाँ बिहार और मौदहा वाले तो एक साथ मिल के रहते हैं। गाइज हमारे भिलाई में एक बहुत अच्छी खूबी और बहुत अच्छी आदत है भिलाई, मतलब हमारे भिलाई के अंदर, कि हमारे बिहार मतलब मौदहा वाले और बिहार वाले इतना मिल के एक दूसरे के साथ रहते हैं, इतना मिल के रहते हैं कि मतलब ये लगता ही नहीं है कि मतलब इतना क्लोज हैं बिहार और मौदहा वाले। और बाहर कतर में भी दुबई में भी हर जगह बिहार वाले भी हैं और मौदहा वाले भी हैं, तो गाइज वो लोग इतना क्लोज हैं एक दूसरे से। तो थैंक यू सबका, और जो जो भी मेरा ब्लॉग देखता है मैं उन सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया इतने कम वक्त में, इतने कम समय में, और इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। और गाइज बस इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और आगे भी मुझे बढ़ाइए, और आप लोगों की मोहब्बत ही मेरा हौसला है, मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है। जैसे आज गुलमा अप्पी भी मेरे मुझे बोली, और सब लोग मुझे यही बात बोलते हैं कि मतलब बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत मुझे उन लोगों से मुझे बहुत हौसला मिलता है, बहुत हिम्मत मिलती है। बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि बस इसी तरह से आप लोग मेरे साथ रहिए, और मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।